हेलो गाइज, तो जैसे कि हम ई बुक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो आज का वीडियो होने वाला है पार्ट सिक्स वीडियो। तो जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बनाए थे पूरा एडमिन मॉड्यूल पूरा फुल डिजाइनिंग, तो आज का वीडियो हम लिखेंगे जैसे कि कोड, जावा के कोड लिखने वाला है, जैसे कि एडमिन बुक्स न्यू बुक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके दोस्तों का शेयर करिए ये वाला प्रोजेक्ट सीखने के लिए, और कमेंट दीजिए, कमेंट कर सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, इस चैनल पर रोज आपको मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो चैनल के सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेंगे सबसे पहले, जैसे प्रीवियस वीडियो में जो बनाए थे वो एडमिन पैनल पूरा डिजाइनिंग, तो चलिए देखेंगे। तो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में ये वाला पूरा मॉड्यूल बनाए थे, जैसे कि एड बुक्स, ऑल बुक्स, ऑर्डर एंड लॉगआउट, चार मॉड्यूल था। जैसे कि एड बुक्स पे जब यूजर एडमिन क्लिक करता है तो उस टाइम ये वाला पेज खुलता है। तो जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल है, जैसे कि एडमिन बुक्स ऐड कर सकता है। जब यहाँ पर बुक एडमिन ऐड कर सकता है तो वहाँ पर यूजर को दिखाना चाहिए, तो दिख पाएगा यूजर जो जो बुक अवेलेबल होगा दिखाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे हम पूरा टोटल फ्रंट एंड डिजाइन किए थे, तो आज लिखेंगे बैक एंड की कोड। जैसे कि यहाँ पर बुक नेम, ऑथर, प्राइस। तो जैसे कि जो ना एडमिन ऐड कर सकता है, ऐड करने का वाला हम डाटा उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं मेरे इक्लिप्स के आईडी अंदर। इक्लिप्स के आईडी अंदर मैं आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हमको एंटिटी लेना है। तो जैसे कि हम बुक्स जो ऐड करेंगे डाटाबेस के अंदर, कौन से एंटिटी लेंगे, तो चलिए जैसे कि मैं एक नोट पैड के अंदर लिख के रखा हूँ, तो देख पा रहा हूँ जैसे कि मेरा सबसे पहले लेंगे बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, बुक कैटेगरी, स्टेटस, फोटो, यूजर ईमेल। तो जैसे कि इतना ही टोटल 8 फील्ड लेंगे तो हम बुक्स का डिटेल स्टोर रखने के लिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो माई स्कूल वर्कबेंच के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे मेरा था डाटाबेस के नेम ई बुक ऑफ, राइट। तो टेबल टेबल के अंदर ऑलरेडी यूजर नेम था, तो अभी टेबल के अंदर राइट क्लिक करना है, देन क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के अंदर लिखना है बुक डिटेल्स, ये मेरा हो रहा है डिटेल्स, बुक के डिटेल्स में रखना है। पर तो वन बाय वन जैसे कि बुक आईडी प्राइमरी की होगा, ये नॉट नॉल एंड ऑटो इंक्रीमेंट, राइट। तो वन बाय वन मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। बुक नेम होने वाला है, देन ऑथर, देन फोर्थ ऑन प्राइस, देन बुक कैटेगरी, तो बुक कैटेगरी होता है न्यू एंड ओल्ड बुक होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर एडमिन ओनली न्यू बुक ऐड कर सकते हैं, तो हम यूजर से लेंगे जैसे वो ओल्ड बुक अपलोड करने के लिए, तो वहाँ पर उसका कैटेगरी होने वाला ओल्ड, और एडमिन जब ऐड करता है वो वाला होने वाला है न्यू बुक, स्टेटस, फोटो, देन यूजर ईमेल। राइट, इतना काम पे। तो जैसे कि बुक जो प्राइस है, प्राइस को हम रख देंगे यहाँ पर डबल, उसका वैल्यू रखेंगे डबल, सॉरी, तो यहाँ पर सर्च करना डबल, यस डबल। तो इसका प्राइस जो रखेंगे डबल, उसका डाटा टाइप इतना ही काम पे। तो जैसे कि हम फोटो के अंदर यहाँ पर ले बाहर क्या स्ट्रिंग, तो जैसे कि यहाँ पर हम जो रखेंगे फोटो को नेम रखना है, फोटो को डायरेक्ट में फोटो ने स्टोर नहीं करना है बाइनरी डाटा। तो जैसे फोटो जब यूजर अपलोड करता है तो हम फोटो को एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर देंगे, यहाँ पर नेम रख देंगे। तो उसे जब हम रिट्राइव करेंगे तो यहाँ से नेम रिट्राइव करेंगे और फोल्डर से फोटो रिट्राइव करेंगे, मैच मैच होगा तो वहाँ पर फोटो दिखा देंगे। तो ये वाला हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं फोटो के अंदर तो ओनली फोटो के नेम ही स्टोर करने वाला हूँ, यहाँ फोटो को स्टोर नहीं करूंगा, राइट। इतना ही कंप्लीट, देन अप्लाई अप्लाई, देन फिनिश। तो जैसे अभी मेरा बुक डिटेल्स नेम से जो टेबल है अभी क्रिएट हो चुका है, तो अब देख पा रहे हैं बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, बुक कैटेगरी, स्टेटस एंड फोटो, सब कुछ फील्ड अभी क्रिएट हो चुके हैं। तो अभी जो क्रिएट हो चुका है, अभी चलिए अभी इक्लिप्स के अंदर, तो ये मेरा डाटाबेस सेटअप हो चुका है। तो इक्लिप्स के अंदर सबसे पहले मुझे एंटिटी डिफाइन करना है, तो आ जाते हैं कॉम डॉट एंटिटी के अंदर राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन क्लास, देन ये होने वाला बुक डिटेल्स, राइट। तो जो जो फील्ड लेंगे तो वहाँ पर डिफाइन कर देंगे प्राइवेट इंट बुक आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग, तो वहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा बुक नेम
एंड प्राइवेट स्ट्रिंग बुक नेम के बाद उसका ऑथर, देन प्राइवेट स्ट्रिंग, देन प्राइस, प्राइस होगा मैं डबल, डाटा टाइप डबल होने वाला है, डबल, देन बुक प्राइस, देन प्राइवेट स्ट्रिंग, देन बुक कैटेगरी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग, बुक कैटेगरी स्टेटस, स्टेटस जैसे स्टेटस में एक्टिव या इनएक्टिव रखेंगे, अगर जैसे कि एक्टिव होता है तो यूजर को शो होने वाला, अगर इनएक्टिव होगा तो यूजर को शो नहीं होगा, तो विजिबल नहीं होने वाले। तो स्टेटस के बाद फोटो, फोटो के अंदर मेरे जो फोटो के नेम होने वाले, फोटो नेम, फोटो नेम प्राइवेट स्ट्रिंग, फोटो नेम के बाद ईमेल, राइट ईमेल। तो जैसे कि एडमिन अब यहाँ पे जैसे अपलोड करता है, तो एडमिन के लिए हम लिखेंगे एडमिन। अगर कोई यूजर अपलोड करता है तो जैसे यूजर ओनली उसका कंट्रोल ओनली ओल्ड बुक ऐड कर सकता है, तो जैसे ओएलएस कंसेप्ट में यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब ऐड करेगा जैसे कि यूजर, तो उस टाइम हम यूजर का ईमेल यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल अभी नॉर्मल हम एडमिन स्टोर करेंगे, अभी होने के बाद अभी गेटर सत्र में थोड़ा क्रिएट करेंगे। तो शॉर्टकट ट्रिक है, सोर्स पे क्लिक करना है, देन सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन सोर्स के अंदर क्लिक करो, देन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, तो जैसे बुक आईडी जैसे ऑटो इंक्रीमेंट है उसको मैं नहीं लेने वाला, तो उस ऑल सूच रिमूव कर दिया हूँ। तो सोर्स जनरेट गेटर सेटर मेथड, राइट, और टू स्ट्रिंग भी कर दें, जनरेट टू स्ट्रिंग, राइट। इतने कंप्लीट, मेरा एंटिटी क्लास क्रिएट हो चुका है, राइट। तभी जैसे कि जो यूजर, अभी जैसे कि एडमिन पैनल, एडमिन जब यहाँ से डाटा इनपुट देता है फ्रंट एंड से, तो हम बैक एंड में जैसे कि लेने के सर्वलेट यूज करेंगे, सर्वलेट के अंदर तो आ जाते। सर्वलेट के करने से पहले सबसे पहले एस आर सी में जो जावा है उसी के अंडर में एक पैकेज बनाऊंगा, एक डिफाइन करना एडमिन। तो जैसे कि एडमिन की जो जो करना होने वाला है फंक्शनलिटी, एडमिन पैनल के अंदर हम बनाएंगे एक पैकेज नेम से, तो उसी पैकेज के अंदर सब कुछ हम डिफाइन करने वाले। तो जैसे कि पैकेज होने वाले कॉम डॉट एडमिन डॉट सर्वलेट, एडमिन के सर्वलेट है। तो एडमिन सर्वलेट अभी लिखेंगे जैसे कि बुक्स ऐड करने के लिए, तो क्लास होने वाला बुक्स ऐड, बुक्स ऐड। तो सबसे पहले सर्वलेट यूज करना, एक्सटेंस एचटीटीपी सर्वलेट। तो जैसे डू पोस्ट मेथड में यूज करने वाला हूँ, तो डू पोस्ट मेथड यूज करना जो ओवरराइड कर रहा हूँ शॉर्टकट ट्री के, तो डू पोस्ट मेथड, तो ओके, ये डू पोस्ट मेथड आ चुका है। तो वन बाय वन डाटा गेट करके मैं डाटा उसके अंदर स्टोर कर लूंगा, तो इसी के अंदर आने वाला है ये सर्वर आने के लिए, तो एरर उसका यूआरएल होने वाला है, तो मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो ये होना है आर बुक्स, बुक्स ये वाला यूआरएल पे आएंगे, जैसे कि यूआरएल पे जब आता है तो ये वाला मेथड कॉल करना है, डू पोस्ट मेथड। तो आ जाते ये वाला जो डिफाइन किया एक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे, जैसे कि जो मेरा था एडमिन पैनल के अंदर आर बुक्स पेज, राइट, इसी के अंदर आ जाता है। तो जैसे फॉर्म जो मेरा है ये वाला नहीं है, तो जैसे कि मेरा यस गाइस, राइट। तो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में जो बना कॉपी पेस्ट किए थे उसी पिछले वाला का सॉल्वर यहाँ पर आ चुका है, तो हम रिमूव कर देंगे। तो जैसे कि राइट, तो जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि एडमिन फोल्डर का अंदर मेरा आर्ट बुक्स है, राइट। तो इसी फोल्डर के बाहर ही मेरा जो सॉल्वेट मिलेगा, तो सबसे पहले डबल डॉट दे रहा हूँ बैक, जैसे कि मेरा एडमिन फोल्डर से बाहर आ चुका हूँ। आने के बाद ये वाला सॉल्वेट कॉल करना है, तो स्लैश देना है आर्ट बुक्स, तो जब ये वाला मेरा आर्ट बुक्स कॉल हो जाएगा, राइट। तो मेथड होने वाला पोस्ट एंड इंक टाइप होने वाला है मल्टी पार्ट एंड फॉर्म डाटा, क्योंकि ना जैसे कि इस वाला फॉर्म से हम डाटा के साथ साथ हम फोटो भी सेंड कर रहे हैं, बाइनरी डाटा, जैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा, दिखा दूंगा, चलिए जैसे देखें वहाँ पर, तो हम बुक नेम, ऑथर नेम, टेस्ट के साथ साथ मैं यहाँ पर जो चूज अपलोड फाइल है वहाँ पर मैं यहाँ पर बाइनरी डाटा सेंड कर रहा हूँ। जैसे फाइल, फाइल सेंड करने के लिए तो मुझे यहाँ पर जो
फॉर्म के अंदर इंक टाइप एक एक्टिविटी यूज करना है, मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। तो मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा, राइट। तभी इसी की हेल्प से ही हम डाटा को डाटाबेस के अंदर से आया सर्वर के अंदर सेंड कर सकते हैं, सर्वर के अंदर सेंड करने के लिए। तो नहीं तो अगर ये वाला डिफाइन नहीं करेंगे तो हम सर्वर के अंदर कोई फाइल डाटा सेंड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये वाला हो चुका है। तो अभी ये वाला सर्वलेट में मेरा जाएगा, जाने के बाद तो मैं बोला क्या गेट करेंगे वन बाय वन। तो जैसे कि बुक का नेम जो इनपुट टाइप है, नेम है मेरा बी नेम, तो उसके बाद ऑथर नेम है मेरा, ऑथर नेम मैंने डिफाइन किया वहाँ पर। तो प्राइस के लिए प्राइस, तो राइट। तो प्राइस के अंदर नंबर है, ओनली यूजर यहाँ पे नंबर इनपुट कर सकता है जो एडमिन है। तो इसका बुक स्टेटस बुक टाइप है न्यू, तो बुक स्टेटस के लिए उसका नेम है जैसे कि बी स्टेटस, बुक स्टेटस, राइट। अपलोड पाथ के लिए बी इमेज, इसी नेम से ही मैंने वन बाय वन डाटा गेट करेंगे। तो जैसे कि आ जाते हैं मेरा सर्वर के अंदर, तो डिफाइन करने से ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे, राइट। अभी ये जो वन बाय वन डाटा गेट करेंगे, सबसे पहले मुझे गेट करना है बुक नेम, बुक नेम कल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो यहाँ पर बाद में नेम डिफाइन करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट वन में सब कुछ डिक्लेयर कर दे रहा हूँ बुक नेम। बुक नेम के बाद बुक नेम तो ऑथर नेम, ऑथर कल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्राइस, स्ट्रिंग प्राइस नहीं होने डबल होने का, डबल प्राइस रिक्वेस्ट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डबल में। तो डबल करने पर सेंट यूज करने वाले हैं, डबल डॉट पर सेंट, पर्स डबल। तो आ जाते हैं ये वाला होने वाला रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो जैसे वेरिएबल हम लास्ट में डिफाइन करेंगे, तो प्राइस के बाद कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरीज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, देन स्ट्रिंग कैटेगरी के बाद बुक स्टेटस रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। स्टेटस देन स्टेटस के बाद हम गेट करेंगे फाइल। तो फाइल के लिए हम स्ट्रिंग नहीं यूज करेंगे, तो ये वाला है एक पार्ट, राइट। पार्ट तो आपको यूज करना है जावा एक सर्वलेट, आपको पैकेज देख रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अलग अलग पैकेज है, तो स्विंग पैकेज है, एक्सएमएल आने वाला पैकेज है। तो आपको देखते हैं यहाँ पर जावा एक सर्वलेट डॉट एच टी टी पी पैकेज को यूज करना है। तो क्या आ गया मेरा पार्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट, जिसे इसमें हेल्प से ही हम फाइल गेट कर सकते हैं, राइट। फाइल गेट हो जाएगा हमारा, इतना कंप्लीट। तो जो फाइल गेट करेंगे, तो फाइल गेट फाइल का नेम मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पर फाइल की ना बाइनरी डाटा नहीं चाहिए। तो जैसे कि फाइल नेम इक्वल टू पार्ट डॉट गेट सबमिट, गेट सबमिटेड फाइल नेम। तो मुझे फाइल नेम मुझे मिल जाएगा, उसी फाइल नेम को ही डाटा से स्टोर करेंगे, और जो फाइल जो इमेज है, इमेज को हम एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर देंगे, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो आज तक डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि हम जो आर्ट बुक्स डीएसपी है उसी के एक नेम एट्रीब्यूट में जो है यहाँ पर लिखेंगे। आर्ट बुक्स के लिए कौन से उसमें लिखा था, जैसे कि आप बुक्स नेम के लिए बी नेम, एफ बी ना इसी बू बी नेम का हम पेस्ट कर देंगे डबल कोट के अंदर। आके बाद ऑथर देन जैसे प्राइस है, प्राइस टेबल, प्राइस एट्रीब्यूट है प्राइस, राइट। देन प्राइस आने के बाद कैटेगरीज, कैटेगरीज का जो मेरा नेम है बी टाइप है, बुक टाइप्स, ये बुक टाइप। देन वाला स्टेटस, तो जैसे कि बी स्टेटस जो इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर बुक टाइप है, यहाँ पर ये वाला डिफरेंट करते कैटेगरीज, ये वाला जो कैटेगरीज है यहाँ पर लिख देंगे बी टाइप की जगह पर कैटेगरीज, और बुक स्टेटस पे लिखेंगे स्टेटस। इतना अकाउंट जिससे इजी है। तो आने के बाद बुक्स हम जो फाइल है, फाइल को गेट करेंगे बी इमेज, बुक इमेज,
तो इसी नेम से फास्ट मैं सॉरी फास्ट मुझे यहाँ पर गेट करना है इमेज, इमेज आने के बाद उसका फाइल नेम मैंने गेट किया। तो अभी देखेंगे जो यूजर जो इनपुट दे रहा है, एडमिन जो इनपुट दे रहा है अभी, वो वाला सर्वर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सठीक हिसाब से। अगर ठीक करेक्ट डाटा आ रहा है तो देट मीन्स वो डाटा का डाटा स्टोर कर देंगे। तो चेक करने के लिए हम डेमो पर चेक करेंगे। चेक करने सबसे पहले बुक डिटेल्स का मैंने ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट, फर्स्ट वन बुक डिटेल्स, देन बी इक्वल टू न्यू बुक डिटेल्स। उसका पैरामीटर्स का फील्ड कंस्ट्रक्टर है, राइट, फील्ड कंस्ट्रक्टर। तो अनबाइंड मैंने यहाँ पर सेव कर दूंगा, बुक नेम अथवा प्राइस वन बाइन मैंने सेट कर दूंगा, जिसके पैरामीटर जो कंस्ट्रक्टर है इसी के अंदर ही मुझे वन बाइन वैल्यू दे देना है, बुक नेम अथवा प्राइस। तो जैसे कि मैं सेट कर दूंगा अभी, आ जाते हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले बुक नेम, देन ऑथर, देन प्राइस, आने के कैटेगरीज, आने के बाद स्टार्टर्स, आने के बाद फाइल नेम, राइट, इतने कंप्लीट। तो क्या रिमूव हो चुका है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में चेक करना है, कंस्ट्रक्टर अंदर कितने मेरे फील्ड है जो पैरामीटर के अंदर। तो बुक नेम, ऑथर, प्राइस, कैटेगरी, स्ट्रिंग स्टेटस, स्ट्रिंग फोटो नेम, देन ईमेल, सॉरी सॉरी ईमेल भी है। तो ईमेल लेने के लिए जैसे कि ईमेल एडमिन यूज़ कर रहा है, तो एडमिन के अंदर मेरा यहाँ पर पास होना एडमिन, दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं यहाँ से ये वाला एडमिन होने वाला है, तो यूज़र के लिए यूज़र का ईमेल होगा, तो यहाँ पर एडमिन एडमिन है। तो इसको प्रिंट करके देखेंगे, बी को प्रिंट करके देखेंगे, राइट। तो अभी सेव कर देंगे, राइट। तो चलिए इसको राउंड करके भी देखेंगे, रन करेंगे और वन बाय वन देखें डाटा जो आर्मिन जो सेव कर रहा है, सेंड कर रहा है, वो डाटा सर्वर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सक्सेसफुली। आज से फर्स्ट फर्स्ट में मुझे लॉग इन करना है एडमिन @gmail.com एंड एडमिन, राइट। आर्ट बुक्स के अंदर क्लिक करना है, देन फर्स्ट में बुक नेम है, बुक नेम होने वाला डेमो ऑथर, नहीं तो मैं बुक दर सी प्रोग्राम, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑथर नेम होने वाला है बाल गुरु स्वामी, प्राइस टू हंड्रेड, बुक कैटेगरीज न्यू बुक है, स्टेटस एक्टिव है। तो मैं फाइल यहाँ पे एक फाइल चूज करने वाला हूँ, एक फोटो मेरा इमेज जो है, तो ई बुक सी वाला जो है इसको पेस्ट कर लो ऐड। तो देखेंगे ये सर्वर के अंदर जो मैंने सेंड किया वाला डाटा गेट कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे क्या एरर, नॉल पॉइंट रिसेप्शन आ रहा है, तो कौन सी एरर आ रहा है, जैसे कि मेरा यहाँ पर डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो जैसे कि क्यों नहीं हो रहा है, बुक्स आर जावा 22 लाइन पे ये वाला यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर, डबल है सब कुछ, राइट, करेक्ट। तो राइट ले, हम प्राइस ले जाते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग, प्राइस को स्ट्रिंग ले जाते, तो हमको यहाँ पर नहीं चाहिए इतना, तो डबल हो। तो यहाँ पर कॉन्वर्टिंग में पूरा एरर आ रहा है, तो डायरेक्ट स्ट्रिंग ही ले जा रहा हूँ, स्ट्रिंग। तो आ जाते ये वाला स्ट्रिंग कंप्लीट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, राइट। अभी देखेंगे फिर से, लोड हो चुका ऑटोमेटिक कॉन्टेक्स्ट मेरा, आते रिफ्रेश, सी है बाल गुरु स्वामी, प्राइस नंबर 200, देन न्यू बुक एक्टिव, देन फोटो चूज कर लेंगे, जैसे कि 8। तो फिर से यहाँ पर एरर आ गया, तो कौन सी एरर आ रहा देखेंगे। तो बुक्स आर जावा 28 लाइन पे, ओ सॉरी। तो जैसे कि इसी पेज का मतलब था, जैसे कि स्टेटस, फाइल नेम, कैटेगरीज, प्राइस, राइट, आर्गुमेंट मिसमैच दिख रहा है, जैसे कि देखेंगे, ओ सॉरी,
बुक नेम, ऑथर, प्राइस, कैटेगरीज। जैसे फास्ट में इसको मैं रिमूव करता रहा हूँ, अनबाइंड में मैं हेलो सेट करने वाला हूँ, तो सेव। तो जैसे बी डॉट सेट बुक नेम, देन बी डॉट सेट ऑथर, बी डॉट सेट ऑथर, ऑथर नेम से करने वाला हूँ, बी डॉट सेट प्राइस। तो जैसे कि ये वाला है प्राइस, सॉरी सॉरी, तो जैसे कि वाला करेक्ट वाला था, जैसे कि कौन सा एरर था, जैसे कि ये वाला सब ठीक ठाक है, तो यहाँ पर जैसे कि प्राइस जो है स्ट्रिंग टाइप का देना है, तो इसलिए वाला एरर आ रहा था। तो जैसे मैं यहाँ पे डाटा टाइप स्ट्रिंग चेंज कर दिया हूँ, तो इसके अंदर भी वाला डाटा टाइप में चेंज कर दे रहा हूँ। जो डाटा इसके अंदर जो स्टोर करेंगे उस टाइम हम उसको डबल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो अभी वाला ट्राई कर रहा है, अभी देखेंगे इतना कम्प्लीट तो आया था, अभी देखेंगे। देन सी देन बाल गुरु स्वामी 2 और 300 एक्टिव न्यू बुक, देन उसका एक्टिव, देन फाइल, देन आर। तो फिर से एरर आ चुका है, नॉल पॉइंट एक्सेप्शन। तो यहाँ पर भी इसको इमेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि नॉल पॉइंट एक्सेप्शन फिर से आ चुका है, जैसे बुक्स आर है 26 नंबर लाइन पे, ये मेरा 26 लाइन नंबर पे मेरा एरर आ रहा है, तो यहाँ पर नॉल मिल रहा है। तो जैसे कि मैं, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं फाइल जो गेट कर रहा हूँ, फाइल का नेम नहीं आ रहा है। तो जैसे कि गाइस, जैसे कि मुझे यहाँ पर और एक एनोटेशन यूज करना है, सर्वलेट से पहले मल्टीपार्ट कॉन्फिग। तो जैसे कि वो मल्टीपार्ट कॉन्फिग है, जैसे कि यहाँ पार्ट यहाँ पर जो है इंटरफेस यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक @ मल्टीपार्ट कॉन्फिग यूज करने वाला है। तो उसके बाद ये वाला मेरा फाइल में गेट हो सकता है। तो ये वाला जब एनोटेशन नहीं यूज कर रहा, तो यहाँ पर नॉल पॉइंटर मिल रहा हो, तो फाइल जो बाइनरी डाटा है उसको गेट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए नॉल पॉइंट रिसेप्शन मिल रहा था, राइट। तो चलिए मेरा अभी कॉन्टेक्स्ट रिलोड हो चुका है ऑटोमेटिक। अभी देखेंगे, फिर से देखेंगे रिफ्रेश करके, अभी बुक एड करके, सी ऑथर नेम बाल गुरु स्वामी, राइट, प्राइस 3 400, देन बुक आटो न्यू बुक, देन स्टेटस एक्टिव, देन मैच कुछ चूज करने वाले। अभी देखिए सक्सेसफुली मेरा अभी बुक आ रहा है। देखो अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट में मैं चेक कर रहा था, बुक नेम आ रहा है, ऑथर नेम आ रहा है, प्राइस आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है एक्टिव, देन फोटो की नेम आ रहा है, देखो राइट। तो यहाँ पर मैं फोटो में स्टोर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ओनली फोटो ही मैं नेम उसका गेट कर रहा हूँ, नेम ही मैं डाटा उसका स्टोर करने वाला हूँ। ईमेल आ रहा है एडमिन, मैं एडमिन यहाँ पर सेट किया हूँ, राइट। तो सक्सेसफुली जो डाटा सेंड कर रहा है जो यूज़र, सो जो सॉरी जो एडमिन जो सेंड कर रहा है, सर्वर का नंबर सक्सेसफुली आ रहा है। तो इसी डाटा को अभी डाटा उसका स्टोर करेंगे, डाटा इसमें स्टोर करने के लिए अभी डाओ लिखेंगे, राइट। तो आ जाते हैं, जैसे कि आ जाते हैं मेरे डाओ के अंदर। तो जैसे कि मैंने इंटरफेस यूज किया था यूजर डाओ के लिए, कि यूजर डाओ एक यूजर निपल है, राइट। तभी कॉम डाउट डाओ के अंदर राइट क्लिक करना है, न्यू, देन और एक इंटरफेस क्रिएट करना है, जैसे कि बुक्स डाओ, राइट। बुक्स के अंदर जो परफॉर्म होने वाला है, ये वाला होने वाला है इसके अंदर इंटरफेस, राइट। ये हो चुका है, तभी लिखेंगे कि इम्पल, जैसे कि हमने इम्प्लीमेंट्स वाला एक क्लास लिखेंगे, डिफाइन करेंगे बुक्स डाओ, बुक डाओ इम्पल, ये इम्प्लीमेंट्स होने वाला है यहाँ पर। तो जो भी मेथड हम डिफाइन करेंगे डाओ का अंदर, तो वाला यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स करेंगे, इम्प्लीमेंट्स बुक डाओ। तो जैसे कि ये, जैसे कि रियल टाइम इंडस्ट्री लेवल पे इस तरह वो आर्क होता है, इस तरह हम पैकेज बनाते हैं, इंटरव्यूज बनाते हैं, इसलिए हमें ये वाला फॉलो कर रहा हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, से आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये सीखने के लिए। अगर सीख जाओ तो बहुत हेल्पफुल होगा, आपको टोटल आइडिया हो जाएगा कि इससे जावा कितना प्रोजेक्ट होता है, राइट। इतना ही कम्प्लीट, राइट। सबसे पहले तो जैसे कि मुझे बुक डाओ का नाना है, सबसे मुझे डिफाइन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी मेथड, अभी जैसे कि मुझे बुक्स इंसर्ट करना है, जो बुक्स डिटेल्स डाटा उसके इंसर्ट करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मेथड डिक्लेयर करना है, उसका रिटर्न टाइप होना है बुलियन टाइप, बुलियन बुलियन आर बुक्स, राइट। सो पैरामीटर देंगे, जैसे कि बुना बुक डिटेल्स का ऑब्जेक्ट, तो हम वन बाय डाटा सेंड नहीं करेंगे, बुक डिटेल्स के ऑब्जेक्ट डायरेक्ट पास कर देंगे कॉम्प्यूटर एंटिटी पैकेज में जो है बी, राइट। इतना कंप्लीट, तो अभी सेव कर देंगे।
तभी जो हम जो इंपल के अंदर देखिए ऑटोमेटिक एरर आ चुका था, जो हम इंटरफेस के अंदर जो ऐड करेंगे वहाँ पर ए वाला मेथड हमें डिफाइन करना है, राइट। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है, सोर्स पे क्लिक करना है, ओवरराइड और इंप्लीमेंट मेथड, तो इसको ओके कर देना है, राइट। अभी कंप्लीट हुए, आने से पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है कनेक्शन क्लास की, कनेक्शन कौन, राइट। तो ये कंस्ट्रक्टर यूज करने वाले फील्ड कंस्ट्रक्टर, तो जैसे कि सोर्स पे क्लिक करना है, देन जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। तो जैसे कि इस क्लास के जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे मैं पास कर दूंगा कनेक्शन, पास होने के बाद इसी बाद उसके बाद मैं ये वाला डाउ क्लास में यूज कर सकता हूँ, राइट। सबसे ट्राई केस ब्लॉक लिखेंगे, इसके रिटर्न टाइप बुलियन है, फर्स्ट बुलियन डिक्लेयर करना, बुलियन एफ इक्वल टू फॉल्स, राइट। तो ये वाला एफ रिटर्न होने वाला है, तो हमें सबसे पहले मैं स्ट्रिंग क्वेरी, मैं क्वेरी लिखना है, एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी क्या होने वाला है, क्वेरी एसक्यूएल लिख देंगे, एसक्यूएल इक्वल टू फास्ट होने वाला है, इंसर्ट करने वाला है डाटा उसके अंदर, तो इंसर्ट इनटू बुक डिटेल्स, डाटा उसका नेम चेक करने वाला हूँ, जैसे बुक डिटेल्स है, ये वाला बुक डिटेल्स है मेरा नेम, नेम करेक्ट वाला देना है, डिटेल्स देन फाइल, जैसे कि कौन सी कॉलम के अंदर कौन से डाटा सेट करना है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था, तो बुक आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो जैसे बुक नेम ऑथर प्राइस ये वाला मुझे चाहिए, राइट। तो इसको कॉपी कर दो, राइट, ऑल द डाटा को, जेड, तो ये वाला जो है सब रिमूव कर देंगे, तो ऐसे सब कुछ एरर आ चुका है, तो अंडर में कॉपी कर देना यहाँ से, बुक नेम देन ऑथर एंड देन प्राइस एंड बुक कैटेगरी पेज का, बुक कैटेगरी, राइट। बुक आटे स्टेटस के अंदर स्टेटस रखेंगे, स्टेटस देन फोटो के अंदर फोटो रखेंगे, फोटो की नेम देन यूजर ईमेल, यूजर ईमेल, राइट। तो देखेंगे डाटा इसका ये वाला सेम है। सो गाइज, तो जैसे कि मैंने रिमूव कर दिया फोटो लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने ईमेल नहीं लिया, तो ईमेल के लिए और एक फील्ड लेना है, बुक डिटेल्स के अंदर राइट क्लिक करना है, ऑल्टर टेबल, देन होने वाला है ईमेल, ईमेल, तो यहाँ पर फोटो की नेम, फोटो ही नहीं क्योंकि फोटो नेम एंड ओनली फोटो रखेंगे, राइट। इतना ही कंप्लीट, जैसे मैंने ईमेल मैंने स्किप कर दिया था, तो ईमेल मेल पेश कर रहा अभी, देखिए अभी ईमेल भी आ चुका है, राइट। तो ये वाला यूजर ईमेल नहीं, ओनली ईमेल, राइट। इतना ही कंप्लीट, तभी सबसे पहले प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करने वाला है डाटा के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए, प्रिपेयर स्टेटमेंट पी एस इक्वल टू कॉन, तो मुझे जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना होगा उसके अंदर कनेक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पास कर दूंगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो इस कनेक्शन अगर मैं यूज कर सकता हूँ अभी, डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट एसक्यूएल क्वेरी पास करना है इसके पैरामीटर के अंदर, पी एस डॉट वैल्यू सेट करना है, पी एस डॉट फर्स्ट वन बाई वन वैल्यू सेट करना है, तो ऐसे बुक नेम है पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग होने वाले, जैसे कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सेवन कैटेगरी है, तो सब कुछ मैंने यहाँ पर टिक करना 1 बाई 1, राइट। इतने कंप्लीट, तो होने वाला है 1 2 सॉरी 2, ये होने वाला 3 4 5 देन 6। तो आपको ध्यान रखना, जैसे बुक नेम फास्ट मतलब तो आपको बुक नेम ही फास्ट आपको सेट करना है, राइट। तो बी डॉट सेट सॉरी गेट गेट बुक नेम देन बी डॉट गेट ऑथर, राइट, देन बी डॉट गेट प्राइस, देन बी डॉट गेट प्राइस का कैटेगरी बुक कैटेगरी, देन स्टेटस बी डॉट गेट स्टेटस, राइट, बी डॉट गेट स्टेटस का फोटो नेम, सिक्स पे होने वाला है, सेवन सॉरी सेवन पे होने वाला है ईमेल, बी डॉट गेट यूजर ईमेल,
इतना ही कॉम्पीट, तो इस तरह आ जाएगा सब कुछ ऑनलाइन डाटा सेट कर देंगे। सेट करने गाइस जैसे कि तो जैसे कि यहाँ पर जो प्राइस वैल्यू है मैं आपको दिखा था, जो प्राइस है यहाँ पर मैं डाटा उसमें सेव किया था जो डबल वैल्यू है राइट, वो डबल वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर मुझे डबल वैल्यू सेट करना है, तो जैसे कि ये प्रॉब्लम होने वाला है तो आ जाते हैं तो कॉन्वर्ट करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट में यहाँ पर इसको डाटा टाइप चेंज करता रहूँ ना, कोई दी बात नहीं। जॉब होगा चाहे हमको प्रॉब्लम होगा तो हम उस टाइम इसको डबल कर देंगे। सबसे अभी बाहर का रख देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के देखेंगे जब कोई प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम हम इसको डबल कर देंगे और डाटा से कॉन्वर्ट कर देंगे। डबल कर दें, प्राइस हो गया एंड अप्लाई राइट, इतना कम्प्लीट। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पी एच डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट राइट। इसका रिटर्न टाइप होने वाला है इन टाइप है, इंट आई राइट। हम चेक करने वाले इफ आई इक्वल टू इक्वल टू 1 देन एफ वैल्यू होने वाला ट्रू राइट। अगर मैं यहाँ पर कोई ना एरर आता है दैट मीन्स 1 आई के वैल्यू 1 नहीं होगा, घर पे से लोन वाला तो यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, तो इसका वैल्यू रिटर्न होने वाला फॉल्स। इतना ही कंप्लीट, मेरा अभी डाउ भी क्रिएट हो चुका है डाटा उसमें स्टेप करने के लिए। तो अभी आने के बाद अभी आ जाएंगे सर्वलेट के अंदर, एडमिन सर्वलेट के अंदर। तो इसी की वाला मेरा, जैसे कि मेरा वैल्यू सेट हो चुका है 1 बाय 1 जो डाटा गेट कर डाटा सेट हो चुका है। वैल्यू सेट होने के वाला डाटा उसके अंदर डाटा स्टोर करें, स्टोर करने से पहले तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बुक डाउ इम्पल कर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, बुक डाउ इम्पल देन डाउ इक्वल टू न्यू बुक डाउ, उसकी कंस्ट्रक्टर का तो मुझे पास करना है कनेक्शन डीबी कॉन्नेट और गेट कॉन राइट। तो अभी मैं मेथड कॉल करना है डाउ डॉट आर बुक्स, तो उसके पैरामीटर का तो मुझे बुक डिटेल्स के ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट मिल चुका है बी, ई वाला बी पास कर रहा हूँ। उसका रिटर्न टाइप क्यों आने वाला ना, बुलियन टाइप राइट एफ। तभी मैं यहाँ पर एच टी टी सेशन की कौन सा यूज करने वाला, एच टी टी सेशन सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन राइट। तो इफ चेक करेंगे, इफ एफ इक्वल ट्रू दैट मीन्स मेरा डाटा स्टोर हो चुका है सक्सेसफुली डाटा उसके अंदर, और एल्स के अंदर अगर कुछ फॉल्स होता है दैट मीन्स डाटा उसके अंदर डाटा इंसर्ट नहीं हुआ है तो कुछ एरर है। तो अभी सबसे पहले मैं सेशन कौन सा यूज करने वाला, सेशन डॉट मैसेज भी दिखाऊंगा उसी पेज के अंदर। तो ये वाला होना सी यू सक्सेस मैसेज बुक आर सक्सेसफुली राइट। तभी इसको रेस्पॉन्स सेंड इसी पेज के अंदर रिडायरेक्ट कर देंगे, सेंड रिडायरेक्ट कौन सी पेज के अंदर, जैसे कि जो बुक्स आर पेज है उसी पेज के अंदर एडमिन पैनल फोल्डर देन आर बुक्स डॉट जो इसी पेज के अंदर राइट। कुछ एरर आता है उसी पेज के अंदर एरर दिखाएंगे राइट। इसका मेथड होने वाला है, इसका जो ऑब्जेक्ट की नेम है फेल मैसेज राइट। तो कुछ लिखेंगे समथिंग रॉन्ग ऑन सर्वर राइट। तो ये जो मैसेज दिखाएंगे, मैसेज दिखाने से पहले रगाई, जैसे कि अभी जैसे मेरा डाटा उसके अंदर फाइल के नेम जाएगा लेकिन फोल्डर के अंदर मुझे डाटा में जो फाइल आ रहा है वो फाइल को भी सेव करना है राइट। जैसे कि जो मुझे अभी नाम जैसे सेव करेंगे डाटा उसके अंदर, तो जैसे फोल्डर जो इमेज इमेज के अंदर हम जो मेरा लोकल डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करने वाले हैं, तो जो एक फाइल है जो फाइल को स्टोर करेंगे, स्टोर करने से पहले वो वाला नेक्स्ट देखेंगे। अभी इसको सबसे पहले मैसेज देखते हैं वो वाला सक्सेसफुल इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बुक्स आर पेज के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैसेज दिखाने, मैसेज दिखाने से पहले जे एस टी एल के मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जे एस टी एल की कोड में यहाँ पर पेस्ट करने वाला जो यू आर ए है, तो जैसे प्रीवियस वीडियो तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो वाला देख लीजिए। तो जैसे ये यू आर ए है राइट, ये यूआरएल आ चुका है। तो यहाँ पे इसी पेज का अंदर मुझे मैसेज दिखाना है आर बुक्स का नीचे ही एच फोन फॉर आ रहा है सी डॉट इफ राइट। तो डॉलर सिंबल देन नॉट एम्प्टी एसएससी मैसेज सक्सेस मैसेज देन पैराग्राफ का अंदर मुझे मैसेज दिखाना है
एक क्लास टेस्ट सेंटर सेंटर में लेने के लिए, टेस्ट एस यू सी सी ये होने वाला है, इसका कलर चेंज होगा, कलर होने वाला है। तो अभी डॉलर सिंबल मैसेज को दिखाएंगे, तो एस यू सी सी मैसेज, तो जब हम रिफ्रेश करेंगे उसी मैसेज को भी रिमूव भी करना है, तो सी डॉट रिमूव बाहर के अंदर उसका नेम लिख देना है, एस यू सी सी मैसेज एड, इसका स्कोप होने वाला सेशन राइट। ये वाला जैसे कि सक्सेस मैसेज के लिए कुछ एरर आता है तो उस टाइम वो वाला मैसेज भी दिखाएंगे। फेल्ड वाला मैसेज, तो जैसे कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट नेम आपको सेम यहाँ पर होना चाहिए, नहीं तो एरर आने वाला जो मैसेज शो नहीं होगा राइट। तो यहाँ पर जो फेल्ड मैसेज है इसी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नेम है राइट। तो इसका कलर देंगे डेंजर, मतलब रेड कलर होने वाला है। इतना कंप्लीट। तो चलिए देखेंगे अभी बुक सक्सेसफुली सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा, डाटा उसके अंदर चेक करेंगे और देखेंगे। फर्स्ट वन है सी प्रोग्रामिंग राइट। तो ऑथर नेम है बालगुरु स्वामी, प्राइस होने वाला 200, 200 एक्टिव न्यू बुक, देन एक्टिव स्टेटस होने वाला एक्टिव, चूज फाइल जैसे कि स्मॉल वाला P3 में नेम से इमेज है ऐड। तो समथिंग रॉन्ग ऑन सॉल्वर दिखा, दैट मीन्स मेरा कुछ प्रॉब्लम है, चेक देखेंगे अभी क्या एरर आ रहा है। तो कुछ यहाँ पे एरर भी नहीं दिखा, डाटा इसमें देखेंगे डाटा इसमें सक्सेसफुल इंसर्ट हुआ कि नहीं। डाटा इसके अंदर मेरा इंसर्ट नहीं हुआ तो एरर आ रहा है, तो कौन सी एरर आ रहा है, जैसे कि बुक डाउ। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे जब लिखेंगे यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टार्ट ट्रेस, तो मुझे पता चल जाएगा कौन सी एरर है। मैंने ई डॉट प्रिंट स्टार्ट नहीं लिखा, मुझे इसलिए पता नहीं चल रहा है कौन सी एरर है राइट। हाँ ये कॉन्टेस्ट इंडेड हो चुका है, रिफ्रेश तो मतलब मैसेज रिमूव हो रहा है। सी प्रोग्रामिंग डेमो कुछ लिख दे रहा हूँ, प्राइस एरर फाइंड आउट करना है अभी मुझे। और कौन सी एरर है देखेंगे, आउट ऑफ रेंज, ओ सॉरी गाइज। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर लिखा था, तो बुक डिटेल्स जो नेम दिखा रहा है फील्ड, लेकिन वैल्यूज भी मुझे लिखना है, तो वैल्यूज लिखने में मैंने भूल गया था, तो ये इसलिए एरर आ रहा है। तो कितने फील्ड है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड है, तो 7 फील्ड के 7 क्वेश्चन में देना है, 1 2 3 4 5 6, तभी वन बाई वन में कॉमा सेपरेट कर देना है कॉमा सिंबल से। सिक्स क्वेश्चन मार्क है 7 ऐड, अभी सेव कर देंगे, हो चुका है। रिफ्रेश, बुक नेम सी, ऑथर नेम अभी सेव होने वाला, तो अभी ठीक ठाक लिखेंगे। प्रोग्रामिंग ऑथर नेम है बाल गुरु स्वामी राइट, प्राइस नंबर 200, एक्टिव न्यू देन एक्टिव चूज करना एक बुक, जावा नेम से मेरे बुक ऑलरेडी है, तो एक वाला लिख दें जावा राइट। आर तो देख पा रहा हूँ बुक 8 सक्सेसफुली दिख रहा है, दैट मीन्स मेरा डाटा उसके अंदर सक्सेसफुल, अभी बुक 8 हो रहा है। तो देखेंगे डाटा उसके अंदर, तो देख पा रहा हूँ मेरा नेम ऑथर प्राइस सब कुछ आ चुका है राइट। तभी आने के बाद ये वाला यहाँ पर फोटो के अंदर मेरा इमेज की नेम आ रहा है, लेकिन इमेज शो नहीं हो रहा है। तो जैसे हम गेट करेंगे तो इमेज नेम गेट करेंगे, तो गेट करने से कोई फायदा नहीं मेरा, मुझे क्यों यूजर की इमेज दिखाना है। तो इमेज दिखाने से पहले, तो जैसे कि मेरा एक फोल्डर के अंदर मैंने इमेज स्टोर कर लूंगा, तो जो मेरा जो लोकल डायरेक्टरी है, जो लोकल कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है, जैसे कि आप सर्वर लाइव सर्वर के अंदर डिप्लॉय करोगे, तो उसी के अंदर एक फोल्डर भी डिफाइन कर दोगे, जब यूजर यहाँ पर जैसे कि अपना फोटो इंसर्ट करता जाएगा, उस टाइम आपकी उसी फोल्डर के अंदर डाटा स्टोर होने वाला जो फोटो राइट। तो जैसे कि हम डाटा उसके अंदर कोई फोटो ही स्टोर नहीं करेंगे, ओनली नेम स्टोर करेंगे,
और सर्वर के अंदर एक फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर ये इमेज स्टोर करना है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैं यूज करने वाला, जैसे कि मेरे कंप्यूटर के अंदर मैं स्टोर करने वाला हूँ मेरा फोटो इमेज एक फोल्डर, राइट। तो आ जाते हैं, तो जैसे कि तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ई बुक नेम से एक मैंने फोल्डर बनाया था, राइट। ई बुक नेम से एक मेरा फोल्डर था, राइट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो बुक नेम से मैंने, तो जैसे कि जब मैं फर्स्ट वाला जो वीडियो बनाया था उस टाइम मैंने 3-4 फोटो रखा था, जैसे कि आपको दिखाने के लिए होम पेज का डिजाइन करके मैं एक बुक नेम से फोल्डर बनाया था। तो जैसे कि आर्मी जो भी बुक आर करता है जो वाला फोटो, तो इसी वाला फोटो का हम बुक नेम फोल्डर का स्टोर करेंगे, राइट। तो स्टोर करने से पहले आ जाते वाला कोड लिखेंगे। तो जब यूजर अपन नेम डाटा उसका नेम स्टोर करने वाला, वहां पर मैं स्टोर कर दूंगा फोल्डर के अंदर, बुक फोल्डर के अंदर मेरा नेम, राइट। तो बुक डाउन देन आ जाते सर्वर के अंदर बुक्स ऐड, राइट। तो इफ कंडीशन ब्लॉक के अंदर ही कोड लिखेंगे, राइट। तो लिखने से पहले सबसे पहले मुझे पाथ गेट करना है, कौन से पाथ के अंदर मेरा फाइल स्टोर करने वाला हूँ, राइट। सबसे पहले आ जाते हैं जैसे कि मेरा जो फाइल पाथ है, तो जैसे कि फर्स्ट वाला मेरा फॉर मुझे पाथ गेट करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो कोड है ना 28 के अंदर बार बार स्टोर हो रहा है, तो इसी कोड का भी कमेंट कर दे रहा हूँ, राइट। ये वाला कोड को मैं कमेंट कर दिया हूँ, राइट। होने के बाद अभी देखेंगे सबसे पाथ के अंदर फाइल स्टोर करके देखूंगा वो स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मुझे यूज करना है, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रियल पाथ, रियल पाथ, राइट। रियल पाथ देन फाइल को रिमूव कर देंगे, देखते हैं ये वाला जो पाथ आ रहा है पाथ क्या आ रहा है, देखिए ट्राई करके देखेंगे स्ट्रिंग पाथ, राइट। तो इसको प्रिंट करके देखेंगे, राइट। पाथ इतना ही कंप्लीट। तो कौन से पाथ आ रहा है उसी पाथ के अंदर मैंने जाऊंगा, तो उसी पाथ में अंदर मैं सेव करना मेरा फाइल, राइट। ये वाला आ चुका पाथ, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट रिलोड हो चुका है, राइट। तो मैं कुछ यहाँ पर डेमो पर्पज का दे दे रहा हूँ वहाँ पर। ये वाला मेरा डाटाबेस स्टोर नहीं हुआ, जिसके वो वाला कोड को मैंने कमेंट कर दिया, न्यू बुक एक्टिव। तो हम पाथ हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, चेक कर रहे हैं कौन से पाथ आ रहा है, राइट। आ चुका है, तो यहाँ पर देख पा रहे हमारे यहाँ पर पाथ मिल रहा है, देखो यहाँ पर। तो ई बुक आप जो प्रोजेक्ट है इसी प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट तक आ चुका है मेरा पाथ, देख पा रहे हैं, दिखा दे रहा हूँ ई बुक आप देखिए यहाँ पर। इसी पाथ को कॉपी करेंगे तो आ जाते मेरा जो फाइल है इसके अंदर पेस्ट करके देखेंगे जो कॉमन फॉर्म है। देखिए मेरा ये वाला आ चुका है मेरा ये वाला पाथ, राइट। ये वाला पाथ आने के बाद बुक फोल्डर के अंदर मुझे इमेज स्टोर करना है, राइट। तो अभी बुक फोल्डर का नेम देना है, तो आ जाते ये वाला बुक फोल्डर देने के लिए, तो आ जाते यहाँ पर जो गेट डॉट ये बुक फोल्डर के अंदर आने वाला है, ये बुक फोल्डर के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा देखेंगे, राइट। अभी सेव कर देंगे फिर से, वेट करेंगे कॉन्टेक्स्ट रिलोड होने के लिए, रिलोड हो चुका है, राइट। तब आ जाते रिफ्रेश, डेमो लिखेंगे कुछ, और अभी कौन से पाथ मिल रहा है देखेंगे अभी। अभी देख पा रहे हो मेरा बुक फोल्डर के अंदर आ चुका है, देखेंगे अभी बुक फोल्डर के अंदर मैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे फाइल के अंदर आ जाते हैं इसी कमांड के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, सॉरी गाइज मैंने पेस्ट कॉपी नहीं किया, तो जैसे कॉपी देन पेस्ट कर देंगे, वैसे पेस्ट नहीं हो रहे, कॉपी देन इसी पाथ को मैं पेस्ट कर देंगे, अभी आ चुका है। तो अभी देख पा रहा हूँ जैसे मैं बुक लिखा हूँ तो बुक फोल्डर डायरेक्ट खुलना है, तो जैसे कि अभी मेरा पाथ मिल चुका है टोटल सेपरेटली, तो इसी पाथ के अंदर मुझे वो बुक स्टोर करना है, राइट। तो ये वाला पाथ के अंदर मुझे बुक स्टोर करना है, तो मुझे यहाँ पर मिल चुका है पाथ, राइट। आने के बाद तो अभी लिखेंगे, अभी लिखना फाइल में डिफाइन करने वाला फाइल जावा आईओ क्लास के ऑफर करने के लिए, एफ इक्वल टू न्यू फाइल,
फाइल। गाइज मेरा स्लो हो रहा है, तो राइट वेट। तो फाइल, ये फाइल आ चुका है। जावा आयो क्लास आपको इंपोर्ट करना है, तो पाथ जैसे मुझे इसी पाथ के अंदर मुझे फाइल ऑफर करना है। ये पाथ ले चुका है, राइट। अब उसको राइट करना है जैसे मेरा फोल्डर का अंदर, तो पाथ जो जिसकी इसी पार्ट के अंदर मेरा है ये वाला, जो इसके अंदर एक मेथड राइट, राइट मेथड के अंदर, तो जैसे कौन सी पाथ के अंदर मुझे से ना सेव करना है, जैसे पाथ के अंदर, राइट। तो उसके बाद तो इसके बाद फाइल सेपरेटर नेम से यूज करने वाला हूँ, फाइल डॉट सेपरेटर, राइट। उसके बाद फाइल की नेम होने वाला है, फाइल की नेम बना जो ये इसी फाइल नेम से मेरा स्टोरने वाला है नेम, तो आज फाइल की नेम लिख देंगे, फाइल नेम, राइट। तो जैसे कि आप फिर से मैं एक्सप्लेन करता रहा हूँ, जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेस्ट की हेल्प से मैंने यहाँ पर पाथ तक मैंने गेट किया, मेरा बुक जो स्टोर होने वाला है उसका पाथ मैंने गेट किया, राइट। पाथ गेट करने के बाद उसके बाद मैं फाइल के अंदर अपलोड कर दिया, ये वाला पाथ के अंदर मेरा डाटा जो मेरा फाइल है फोटो अपलोड करना है, राइट। अपलोड करने के बाद जैसे कि ये वाला मुझे फाइल का मिल गया, फिर राइट करना है जैसे कि उसी फोल्डर के अंदर मुझे स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए पाथ नेम जो है मेरा इंटरफेस है उसी का एक मेथड है राइट मेथड, राइट। तो कौन से उसके अंदर मैं पाथ दे दिया, पाथ देने के बाद उसका सेपरेट जैसे कि इसके अंदर स्ट्रिंग जो है फाइल के नेम पाथ के साथ साथ नेम देना है राइट। तो इसी के अंदर जैसे फाइल पाथ मिलेगा, पाथ मिलने का जो बुक फोल्डर तक, तो उसके सेपरेट जैसे स्लैश देना है, स्लैश देने का फाइल के नेम कौन सी जो फाइल स्टोर होने वाली उसका नाम क्या देना है, जैसे कि मेरा ये फाइल नेम है तो यहाँ पर मुझे फाइल नेम भी मिल रहा है, तो मिल चुका है, राइट। अभी देखेंगे, अभी सेव करके सेव हो चुका है। तो अभी जैसे कि मैं जो फाइल अभी गेस्ट स्टोर करने वाला फाइल अभी उसी फोल्डर के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा देखेंगे अभी, राइट। तो आ जाता अभी रिफ्रेश, कुछ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, तो न्यू बुक, अभी देखेंगे अभी जो फोटो अपलोड करो फोटो जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसी फोल्डर के अंदर, ई बुक चाहो वही प्रोजेक्ट। तो आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर ई बुक्स नेम से कोई फाइल भी नहीं है, राइट। तो आर वर्क पेज क्लिक करेंगे तो ये मेरा जा चुका है, तभी कुछ एरर नहीं है। तो आ जाते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो गाइस देख पा रहे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ई बुक जिसे मैं आपको बोला था ई बुक जावा प्रोजेक्ट नहीं था, यहाँ पर फोटो देखिए अभी आ चुके मेरे यहाँ पर ये वाला फोटो, तो देखिए सक्सेसफुली मेरा आ चुका है, जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो का ये वाला थंबनेल था, तो देख पा रहे होंगे ये वाला अभी मेरा ऐड हो चुका है। तो मैं और एक फोटो यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, तो आज दिखाऊंगा आपको, तो करके रिफ्रेश कर देंगे, कुछ और एक मैं दे रहा हूँ यहाँ पर वाला डेमो परपज एक्टिव, तो B3 नेम से कौन है, कुछ इमेज है मेरा, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ऐड हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर देखिए B3 नेम से कोई भी फोल्डर नहीं है, देखिए यहाँ B3 भी आ चुका है, राइट। सबसे देख पा रहे हो ये वाला इमेज भी आ चुका है, जो भी हम अपलोड कर रहे हैं इसी फोल्डर के अंदर मेरा आ चुका है हमारा जो फाइल, राइट। अभी मेरा यहाँ पर फोल्डर के अंदर मेरा मेल रहा है, मुझे जो बुक फोल्डर है वो दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो बुक फोल्डर है, बुक फोल्डर के अंदर मुझे सब कुछ इमेज मिल रहा है। तो इसी बुक फोल्डर से मैंने डाटा गेट करके डिस्प्ले कर सकता हूँ, अभी वो वाला आने वाला वीडियो के अंदर करके दिखाएंगे आपको, अभी डाटा स्टोर कर रहा हूँ। तो ऐसे कि ये वाला जो कोड लिखा था स्ट्रिंग पाथ, ये इतने तीनों लाइन कोड को कंट्रोल एस का कॉट कर देंगे, ये जो कमेंट लाइन था इसको अन कमेंट कर देंगे, राइट। इसको फॉर्मेटिंग कर दिया, तो सक्सेसफुली जब मेरा आ रहा है डाटा, तो उसी को डाटा कोड का भी डाटा इसके अंदर स्टोर करेंगे, जैसे कि डाटा अंदर स्टोर हो रहा है उसके साथ साथ मैंने फोल्डर का फोटो भी सेव कर दिया। इफ जो ट्रू कंडीशन है, इफ कंडीशन का मैंने लिख रहा हूँ, राइट। यहाँ पर दिख रहा है एफ इक्वल टू डुप्लीकेट, तो ये होने वाला फाइल में लिख दे रहा हूँ, राइट। इतना ही कंप्लीट। तो अभी देखेंगे अभी डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर कर रहे हैं वो वाला फोल्डर के अंदर मेरा इमेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और डाटाबेस के अंदर वाला नेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है देखेंगे सक्सेसफुल अभी। तो मेरा अभी जैसे कि ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जो हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि वाला जो आडू माडू बुक्स एडिंग का, राइट। तो आ जाते बुक की नेम देने वाला हूँ मैंने एसक्यूएल, इसका देने वाला हूँ तो डेमो में एक दे रहा हूँ नेम, ऑथर नेम डेमो नहीं है, जैसे एक नेम दे रहूँगा जॉन, राइट। प्राइस देने वाला 300, बुक अटो न्यू बुक डेमो शर्ट एक्टिव, अपलोड पट्टो देने होने वाला है एसक्यूएल नेम से, मैंने एक था मेरा है कि मैं जिसको ही अपलोड करेंगे अभी,
लिनक्स वाला बुक ऑफर करेंगे, ये वाला लिख देंगे लिनक्स, राइट। इतना ही कम्प्लीट, देन आर्ट से क्लिक करेंगे, देख पा रहे हैं बुक्स आर्ट सक्सेसफुली। सबसे पहले डाटाबेस के अंदर देखेंगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिनक्स डॉट जेपीजी आ रहा है, बुक फोटो की नेम, यहाँ पर बुक नेम, ऑथर, प्राइस, बुक कैटेगरी न्यू आ रहा है और ईमेल भी आ रहा है, राइट। तो अभी जैसे देखें फोल्डर के अंदर मेरा वो वाला फोटो आ चुका है, नहीं आया है, देखेंगे अभी। तो एक बार देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एसक्यूएल नेम से मेरा आ चुका है, सॉरी गाइस, यहाँ पर लिनक्स नेम का ऑलरेडी फोल्डर था, नहीं नहीं सॉरी, तो यहाँ पर आ चुका है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरा लिनक्स नेम से जो बुक है यहाँ पर आ चुका है, देखिए यहाँ पर इसका नेम भी लिनक्स और लिनक्स वाला बुक भी आ चुका है। सक्सेसफुली मेरा ये वाला सब कुछ वर्क कर रहा है। तो जैसे कि मैं यूजर जब एडमिन पैनल, जब एडमिन में आके फ्रंट एंड के अंदर जो स्टोर कर रहा है, जो ना बुक्स नेम फोटो के साथ साथ मेरे फोल्डर के अंदर मेरा यहाँ पर बुक स्टोर हो रहा है और ना लोड हो रहा है, और उसके साथ साथ डाटाबेस के अंदर नेम भी स्टोर हो रहा है, तो सक्सेसफुली ये वाला कंप्लीट हो चुका है गाइस। जैसे एडमिन मॉड्यूल का ये वाला मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बुक्स एडिंग करने वाला का, तो ये वाला जो देखेंगे आने वाला वीडियो के अंदर ना, जैसे एडमिन, जैसे यूजर पैनल का ये वाला बुक स्टोर करके दिखाएंगे, जितने भी जो एडमिन बुक्स ऐड कर रहा है, तो इसी के अंदर हम दिखाएंगे वन बाय वन। जैसे कि ये वाला स्टार्टिंग अभी दिख रहा है, तो आने के वाले वीडियो के अंदर यहाँ वाला यहाँ पर हम दिखाएंगे डायनामिकली, जैसे डाटा वैसे फेच करके, जो जो बुक है ऐसे फेच करके दिखाएंगे, राइट। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ हेल्पफुल होता है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज इस चैनल को इस तरह रोज वीडियो देखने के लिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।